नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 2 के 10वें पाठ हेलो एल्केन हेलो एरीन के 5वें भाग में अध्ययन करेंगे। पिछले भागों में हमने देखा हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, नामकरण किस प्रकार किया गया, विरचन की क्या क्या विधियाँ थी, इनके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुणों के बारे में जाना। उन रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 SN2 क्रियाविधि के साथ जानी। उसके बाद धातु के साथ अभिक्रिया तथा विलोपन अभिक्रियाएं देखी। रासायनिक गुणों के साथ ही हमने ध्रुवण घूर्णकता, कायरलता, प्रतिबिंब रूप तथा रेसिमिक मिश्रण, धारण, प्रतिलोमन और किसी प्रकाश सक्रिय क्रियाकारक से शुरू कर SN1 SN2 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। आज हम कक्षा में देखेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, धातु के साथ अभिक्रियाएं तथा कुछ पॉलीहेलोजन यौगिक। हेलो एरीन्स की अभिक्रियाएं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कुछ कारणों से कम क्रियाशील है। कौन से हैं वे कारण? पहला देखें, अनुनाद प्रभाव। हेलो एरीन में हेलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होते हैं तथा इन अनुनादी संरचनाओं के कारण उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। ये देखें, क्लोरोबेंजीन, जब भी लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो तो रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा। और इस अनुनाद में देखें, कार्बन पर ये कार्बन क्लोरीन के बीच में इन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यहाँ द्विबंध बनेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन के कार्बन पर स्थानांतरित होने से नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड बन रहा है। अब कार्बन क्लोरीन के बंध को यदि प्रतिस्थापन के लिए तोड़ा जाए तो कठिन होगा, क्योंकि यहाँ द्विबंध बन चुका है। तो इस तरह से अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड आने से अभिक्रियाशीलता घट जाती है। अनुनाद के कारण CCl आबंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जैसा कि हम अनुनादी संरचनाओं में देख चुके हैं, ये द्विबंध गुण आ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरीन में आबंध विदलन अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती हैं। एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह पे एक्स होता है, वहाँ हेलोजन के लोन पेयर के संयुग्मन में किसी प्रकार का द्विबंध नहीं है, अतः वहाँ पर कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, जबकि एरिल हैलाइड में अनुनाद के कारण द्विबंध गुण आ गया और इसको तोड़ना कठिन होगा, अतः इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। दूसरा कारण है CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। यहाँ देखें, हेलो एल्केन के अंदर कार्बन का संकरण अवस्था क्या है? sp3 संकरण, जबकि हेलो एरीन में कार्बन की संकरण अवस्था sp2 है। जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है वो एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड sp2 संकृत कार्बन है, जबकि हेलो एल्केन का कार्बन sp3 संकृत है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से अधिक s गुण युक्त sp2 संकृत कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। जितना s गुण अधिक होगा उतनी विद्युत ऋणता अधिक है, क्योंकि s कक्षक नाभिक के करीब होता है, छोटा होता है, अतः विद्युत ऋणता अधिक होगी। तो यहाँ क्या होगा, CX आबंध के इलेक्ट्रॉन युगल को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ता से थाम सकता है। तो एरिल हैलाइड में जो कार्बन है वो भी विद्युत ऋणी है, कार्बन हैलोजन के इलेक्ट्रॉनों को अधिक सुदृढ़ता से थाम सकता है, अतः उसको X को हटाना कठिन होगा। जबकि हेलो एल्केन में कम S गुण युक्त sp3 संकृत कार्बन परमाणु है, यहाँ केवल 25% S कैरेक्टर है, जबकि हेलो एरीन में कितना था, 33.3%, sp2 में 33.3 और sp3 में 25% S गुण है। अतः हेलो एल्केन में CCl आबंध की लंबाई 177 पिकोमीटर है, जबकि हेलो एरीन में 169 पिकोमीटर है। जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना ही उसको तोड़ना कठिन होगा। तीसरा कारण है फेनिल धनायन का अस्थायित्व। स्व आयनन के फल स्वरूप हेलो एरीनों से बना फेनिल धनायन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाएगा, अतः SN1 क्रियाविधि की संभावना समाप्त हो जाती है। यदि हम किसी एरिल हैलाइड का स्व आयनन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक हैलाइड आयन और एक हमें फेनिल कैटायन प्राप्त होगा। अब उसमें
sp2 संकृत कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसमें किसी प्रकार का अनुनाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि sp2 संकृत कार्बन के पास वाले कार्बन पर यदि चार्ज होता तब तो अनुनाद हो जाता, लेकिन sp2 संकृत कार्बन पर ही धनावेश होने से अनुनाद नहीं होगा, स्थायित्व नहीं है, अतः SN1 क्रियाविधि जहाँ की कार्बन धनायन बनता है वो नहीं हो पाएगी। संभावित चौथा कारण, संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरीन की ओर जाने की संभावना कम होती है। देखिए, नाभिक रागी भी इलेक्ट्रॉन धनी है और बेंजीन की वलय भी इलेक्ट्रॉन धनी है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में रिपल्शन होगा, उनके एरीन की तरफ जाने की संभावना नाभिक रागी की कम हो जाएगी, अतः नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हेलो एल्केनों की तुलना में हेलो एरीन कम क्रियाशील होते हैं। फिर भी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, ये काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशन में हम ये प्रतिस्थापन कर पाएंगे, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर फेनॉल में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2 उपस्थित होने पर हेलो एरीन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यहाँ देखें, यहाँ हमने क्लोरोबेंजीन लिया और ड्रास्टिक कंडीशन 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब रिएक्शन कराई तब ये Cl हट के नाभिक से ही कौन सा आया, OH नेगेटिव यहाँ आ रहा है, पर काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशन में आ रहा है। और यही अगर हम Cl के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे नाइट्रो समूह या पैरा पे नाइट्रो समूह लगाते हैं तो ये Cl हटने की क्षमता अधिक हो जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जब NO2 समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है तब यह प्रभाव अधिक प्रबल होता है। क्रियाशीलता कब बढ़ेगी, जब NO2 समूह ऑर्थो और पैरा पे होगा। इन उदाहरणों में आप देख पाएंगे किस तरह से क्रियाशीलता बढ़ी हुई दिख रही है। यहाँ हमने पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लिया और जब टेम्परेचर चाहिए तो वो 443, कहाँ पहले 623 चाहिए था जब नाइट्रो समूह नहीं था, लेकिन पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आने पे टेम्परेचर 443 पे ही काम चल जाएगा और ये प्रतिस्थापन होके यहाँ OH प्राप्त हो गया, तो रिएक्शन की कंडीशन कम हो गई, क्रियाशीलता बढ़ गई। इसी तरह से अगर हम दो NO2 समूह लेते हैं ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे तो और भी कम टेम्परेचर 368 केल्विन पे ही रिएक्शन हो रही है और ये Cl प्रतिस्थापित होकर OH आ गया है। इसी तरह से यदि तीनों पोजीशन पे हम नाइट्रो समूह ले लें, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे, तो गर्म पानी से ही अभिक्रिया कराने पे Cl प्रतिस्थापित होकर OH प्राप्त होगा। इस तरह से ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ये काफ़ी अम्लीय होता है। नाइट्रो समूह के माइनस आई प्रभाव के कारण OH बंध आसानी से टूटता है और H+ आयन दे सकता है, अतः इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इलेक्ट्रॉन अपने समूह के मेटा स्थिति पर जुड़े होने की स्थिति में हेलो एरिनो की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि को इस प्रकार हम देख सकते हैं, यहाँ देखें, यहाँ हमने नाइट्रो समूह पैरा पोजीशन पे लिया और नाभिक स्नेही OH नेगेटिव के द्वारा रिएक्शन कराई। यहाँ क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पे क्या होगा, आंशिक धनावेश उत्पन्न हो रहा है और उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके OH अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड बना लेगा, है ना। इस तरह से हमें कार्बनाइन स्पीशीज प्राप्त हो रही है, जहाँ पर कि इस पहले कार्बन पे एक Cl और OH ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड बना लिया और ये इंटरमीडिएट स्पीशीज जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखें तो नेगेटिव चार्ज से तो बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पर आ गए पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया पैरा पोजीशन पे। लेकिन अगर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह है जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये इस इंटरमीडिएट को काफ़ी स्थायित्व प्रदान करेगा, या यूं कहिए कि इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ हम बॉन्ड बना सकते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को O पे शिफ्ट कर सकते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ पाएगा। तो जितने अनुनादी संरचनाएँ अगर इंटरमीडिएट स्पीशीज की बढ़ती है उतना ही उसका स्थायित्व अधिक होता है। तो हमने देखा कि नाइट्रो समूह के पैरा पोजीशन पे होने से हमें इस प्रकार की एक अनुनादी संरचना प्राप्त हो रही है जहां नेगेटिव चार्ज बियरिंग कार्बन पर ही NO2 समूह है जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज से यहां बॉन्ड बनाया और इन पाई इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज बना के ये
तीसरी संरचना बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl अपने इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा Cl नेगेटिव के रूप में, और ये नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे बॉन्ड बन के वापस से एरोमेटिक रिंग बन गई। ये हमने हाइब्रिड दिखाया हुआ है जहाँ नेगेटिव चार्ज इस पोजिशन से इस पोजिशन तक, यहाँ तक नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है, और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर के द्वारा फिर तीव्र स्टेप से हमें Cl नेगेटिव के रूप में मिल गया, और इस तरह से हमें फिनॉल डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। तो आप देखते हैं कि NO2 समूह अगर पैरा पोजिशन पे होता है या ऑर्थो पे होता है तो इस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्थायित्व प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पैरा पोजिशन पे NO2 के होने से ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। यदि यही NO2 ऑर्थो पोजिशन पे होता तो ये स्ट्रक्चर जहाँ नेगेटिव चार्ज बियरिंग कार्बन पे अगर NO2 होता तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता। तो NO2 के ऑर्थो और पैरा होने पे से तो हमें स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है इंटरमीडिएट में, लेकिन अगर मेटा पे NO2 समूह है, मान लीजिए ये Cl के मेटा पे यहाँ NO2 समूह है, तो हमारे अनुनादी संरचनाओं में एक भी संरचना ऐसी नहीं है जहाँ नेगेटिव चार्ज मेटा पे उत्पन्न हो रहा हो। आप देख रहे हैं मेटा पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पोजिशन पे आया। यदि इन पोजिशंस पर ही हमारा नाइट्रो ग्रुप है तो वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और फैला सकता है। जितना हम आवेश को फैला पाएंगे उतना स्थायित्व अधिक होगा। ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह की उपस्थिति से बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, फलतः हेलोएरीन पर नाभिक रागी का आक्रमण सरल हो जाता है। नाइट्रो समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और रिंग को थोड़ा डेफिशिएंट बनाएगा जिससे कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस पर अटैक कर पाए। तो नाइट्रो ग्रुप के आने से रिएक्टिविटी बढ़ती है। अब वो नाइट्रो भी कहाँ आए तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पे अगर आता है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, मेटा पे आएगा तो रिएक्टिविटी को उतना इनहांस नहीं कर पाएगा, उतना बढ़ा नहीं पाएगा। इस प्रकार बना कार्बिनायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ये हमने देखा कि नाइट्रो समूह के पैरा पे होने से ये संरचना जहाँ नेगेटिव चार्ज बियरिंग कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर आकर्षित करता है। या यूं समझिए कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये नेगेटिव बॉन्ड से यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है और रेजोनेंस हो सकता है, चार्ज का और फैलाव हो सकता है जिससे कि स्थायित्व प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर ऑर्थो पे NO2 होता तो ये स्ट्रक्चर उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, लेकिन मेटा पे नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा। यदि NO2 समूह मेटा पे लेते हैं तो किसी भी तरह से वो NO2 समूह बनने वाले कार्बनायन को स्थायित्व प्रदान नहीं कर रहा। हैलोजन प्रतिस्थापी के स्थान से ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर स्थित कार्बनों पर उत्पन्न ऋणावेश NO2 के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में एक भी संरचना इस प्रकार की नहीं होती जिसमें NO2 समूह की उपस्थिति वाले कार्बन परमाणु पर ऋणावेश हो। यहाँ हमने यही बताया कि यही NO2 अगर मेटा पे होता है तो एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं प्राप्त हो रहा जहाँ नेगेटिव चार्ज बियरिंग कार्बन, यानी कि मेटा पे NO2 होता है तो नेगेटिव चार्ज तो मेटा पे आ ही नहीं रहा, तो वो NO2 उस नेगेटिव चार्ज वाले आयन को स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाएगा। अतः मेटा स्थिति पर उपस्थित नाइट्रो समूह ऋणावेश को स्थायित्व प्रदान नहीं करता तथा मेटा स्थिति पर उपस्थित NO2 समूह का अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। इस तरह से ये देखा कि अगर पैरा आइसोमर है या ऑर्थो आइसोमर है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ हमें एक ना एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है इंटरमीडिएट के रूप में जहाँ नेगेटिव चार्ज बियरिंग कार्बन पर NO2 है और वो उसके स्थायित्व को बढ़ा रहा है। इसलिए NO2 समूह के ऑर्थो और पैरा पे होने से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, क्योंकि बेंजीन की वलय है, बेंजीन की रिंग इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, इसलिए हेलोएरीन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी पाई जाती है जो बेंजीन के रिंग की विशेष अभिक्रियाएं हैं। हम जानते हैं कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन जो कि बेंजीन के रिंग की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, वो इन हेलोएरीन्स में भी पाई जाएगी। हेलोजन परमाणु के आंशिक निष्क्रियक होते हुए भी इसका ऑर्थो तथा पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है, अतः अगला प्रतिस्थापन हेलोजन के स्थान से ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर होता है। हालांकि हेलोजन परमाणु थोड़ा निष्क्रियक है ना, इसका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए
जो हेलोएरिन्स की रिएक्शन है वो बेंजीन की तुलना में थोड़ी स्लो होती हैं, लेकिन फिर भी रेजोनेंस प्रभाव के द्वारा ये ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी है। ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि नाभिक नहीं कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पे। इस तरह से हेलोएरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे दिखाते हैं। हेलोजन के ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक प्रभाव को अनुनाद संरचनाओं से समझ सकते हैं। यहाँ हमने अनुनादी संरचनाएं बनाई हैं। ये देखें, ये हेलोएरिन लिया जहाँ की हेलोजन परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। रेजोनेंस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और ऑर्थो पोजिशन में नेगेटिव चार्ज आ गया। देख रहे हैं कि डेंसिटी कहाँ बढ़ी, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ने ही, जो कि स्वयं इलेक्ट्रॉन शूद्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो और वो इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करता है, तो कहाँ आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ने ही, इलेक्ट्रॉन रागी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, क्योंकि इन स्थितियों पर अनुनाद के द्वारा ऋणावेश आ रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, अतः वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रियाओं में पहली देखें हेलोजनन। अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl3 जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनाने में एक सहायक है। और जब Cl पॉजिटिव कहाँ आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि हमने देखा अनुनाद के द्वारा इन स्थितियों पर ऋणावेश आता है, अतः Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ने ही ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आएगा। तो पैरा पोजिशन पे आने से 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन ये मुख्य उत्पाद क्यों बना, क्योंकि ये सिमेट्रिक संरचना है और ये 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन ये अल्प मात्रा में बनेगा सिमेट्रिक नहीं होने के कारण। नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 लेते हैं, जहां NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बनेगा और वो कहां आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, Cl के ऑर्थो और पैरा पे। तो ये 1-क्लोरो-2-नाइट्रोबेंजीन अल्प मात्रा में और 1-क्लोरो-4-नाइट्रोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इसी तरह से सल्फोनेशन देखें तो क्लोरोबेंजीन का यदि हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा सल्फोनेशन कराते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे SO3H और पैरा पोजीशन पर SO3H आएगा। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो 2-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड अल्प मात्रा में और 4-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। फिर देखते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्किलीकरण और एसिडीकरण दो अभिक्रियाएं होते हैं। यहाँ एल्किल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में, है ना। निर्जल AlCl3 क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोनियम आयन, और ये मिथाइल कार्बोनियम आयन कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ऑर्थो पोजिशन पे आने से 1-क्लोरो-2-मिथाइल-बेंजीन जो कि अल्प मात्रा में और 1-क्लोरो-4-मिथाइल-बेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इस तरह से ये फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्किलीकरण हुआ। दूसरी अभिक्रिया हम देखते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया का एसिडीकरण। यहाँ ये एसिल समूह है CH3COCl एसिल क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड, RCOCl को एसाइल क्लोराइड और CH3COCl को एसिटाइल क्लोराइड कहेंगे। निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, CH3CO पॉजिटिव एसाइल कार्बोनियम आयन एसिटाइल कार्बोनियम आयन CH3CO पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा और ये CO-CH3 ऑर्थो पे आ गया, CO-CH3 पैरा पे आ गया। इस तरह से बेंजीन रिंग पे CO-CH3 को क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन, और 2 पोजीशन पे क्लोरो है तो 2-क्लोरो-एसिटोफिनोन 4-क्लोरो-एसिटोफिनोन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में वुड्स फिटिग अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन देता है। यहाँ हम देख रहे हैं, ये हमने एराइल हैलाइड लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन जब भी कराते हैं तो ड्राई ईथर होना चाहिए, और एक एल्काइल हैलाइड लिया। जब हम दोनों एल्काइल हैलाइड लेते थे तो रिएक्शन का नाम था वुड्स अभिक्रिया, और जब एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड लेते हैं तो नाम क्या है, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। इस वुड्स फिटिग अभिक्रिया में ये एक्स Na और ये X, यहाँ 2Na लेते हैं तो ये 2NaX निकल जाएगा और ये एल्किल समूह एरिल समूह के ऊपर जुड़ जाएगा, तो इस तरह से ये एल्किल एरीन प्राप्त हो गया। फिटिग अभिक्रिया, क्या अंतर है फिटिग अभिक्रिया में, देखिए जब दोनों एरिल हैलाइड लेंगे, जैसे यहाँ दो मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड लिया सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर, तो यहाँ दोनों एरिल समूह जुड़ जाते हैं,
एरिल हैलाइड भी शुष्क ईथर में सोडियम के साथ सजातीय यौगिक ये बाईफिनाइल प्राप्त होता है, दो एरिल समूह परस्पर जुड़ गए तो इसे कहेंगे फिटिक अभिक्रिया। इस तरह से वुड्स अभिक्रिया में दो एल्किल हैलाइड से उच्च एल्केन प्राप्त होता है, जबकि वुड्स फिटिक अभिक्रिया में एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड से हमें एल्किल एरिन प्राप्त हुआ, और फिटिक अभिक्रिया में दो एरिल समूह जुड़कर हमें बाईफिनाइल प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखी, जहां हमने देखा कि अगर हम माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाते हैं तो उससे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। दूसरी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जो कि बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन देखी, और तीसरी अभिक्रिया हमने धातु के साथ अभिक्रियाएं करी। अब हम आगे पढ़ते हैं पॉलीहैलोजन यौगिक। पॉलीहैलोजन यौगिक एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं। डाइक्लोरोमेथेन मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2। डाइक्लोरोमेथेन का अत्यधिक उपयोग विलायक के रूप में पेंट अपनयक पेंट रिमूवर में, एरोसोल में प्रणोदक एरोसोल प्रोपेलेंट के रूप में तथा औषध निर्माण में की प्रक्रिया में विलायक के रूप में होता है। यह धातु की सफाई एवं फिनिशिंग विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। हानिकारक प्रभाव मेथिलीन क्लोराइड मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। वायु में मेथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने के प्रभाव से श्रवण एवं दृश्य क्षमता में आंशिक क्षीणता आती है। मेथिलीन क्लोराइड की वायु में अधिक मात्रा के प्रभाव से चक्कर आना, मितली, हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनी एवं जड़ता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्यों में मेथिलीन क्लोराइड के त्वचा के सीधे संपर्क में आने पर तीव्र जलन तथा हल्का लालपन आ जाता है। आँखों से सीधा संपर्क कॉर्निया चला सकता है। दूसरा हम देखते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म CHCl3। उपयोग रासायनिक रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग वसा, एल्कलॉइड, आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में होता है। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग फ्रियॉन प्रशीतक है। पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता था, परंतु इसके टॉक्सिक नेचर के कारण अब इसका स्थान ईथर जैसे कम विषैले एवं अधिक सुरक्षित निश्चेतकों ने ले लिया है। क्लोरोफॉर्म के हानिकारक प्रभाव क्लोरोफॉर्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवनमित हो जाता है। क्लोरोफॉर्म के दीर्घकालिक संपर्क से लीवर तथा किडनी का क्षय हो सकता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, जिसे फॉस्जीन भी कहते हैं। यहाँ रिएक्शन देखें, ये क्लोरोफॉर्म की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में COCl2, ये पॉइजनस गैस फॉस्जीन बनाती है प्लस 2HCl। अतः क्लोरोफॉर्म का भंडारण कैसे करें? भंडारण के लिए इसे पूर्ण तरह भरी हुई रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि उनमें वायु न रहे। अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी, रंगीन बोतल होने से प्रकाश भी नहीं आएगा, तो फिर फॉस्जीन नहीं बन पाएगा। अब देखते हैं ट्राई आइडोमीथेन आइडोफॉर्म CHI3। इसका उपयोग प्रारंभ में पूतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। यह इसके मुक्त हुई आयोडीन के कारण होता है। इसकी अरुचिकर गंध के कारण अब इसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का उपयोग किया जाता है। आयोडोफॉर्म की गंध अरुचिकर है, अतः अब इसको रिप्लेस कर दिया है दूसरे यौगिकों के द्वारा। अब देखते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्रशीतक बनाने तथा एरोसोल केन के लिए प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। इसे औषध उत्पादन में तथा सामान्य विलायक की भांति प्रयुक्त किया जाता है। यह उद्योगों में ग्रीस को साफ करने वाले द्रव तथा घरों में दाग धब्बे हटाने वाले द्रव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अग्निशामक के रूप में बहुतायत में प्रयुक्त होता है। अग्निशामक के रूप में CCl4 को पायरीन के नाम से, ट्रेड नेम पायरीन के नाम से उपयोग किया जाता है। इसके हानिकारक प्रभाव
इसके उद्वासन से मनुष्यों को यकृत का कैंसर हो जाता है। CCL4 के उद्वासन से हृदय गति अनियमित हो सकती है तथा रुक जाती है। आँखों के संपर्क में आने पर इस रसायन से जलन उत्पन्न होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु में निर्मुक्त होने पर ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है और ओजोन परत को विरल बना देती है। ओजोन परत के विरलीकरण से मनुष्यों का पराबैंगनी किरणों से उद्वासन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा का कैंसर, आँखों की बीमारियाँ तथा विकार एवं प्रतिरक्षा प्रणाली में विदारण होना संभव है। इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। जितना ओजोन से एक्सपोजर होता है, उससे होने वाली सारी परेशानियां होने लगेंगी। फ्रियॉन क्या है? फ्रियॉन मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से फ्रियॉन कहलाते हैं, ना? क्लोरोफ्लोरो मीथेन या इथेन, इन्हें हम फ्रियॉन कहते हैं। यह अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय तथा निरावेशी नॉन टॉक्सिक हैं, असंक्षारक नॉन कोरोसिव हैं तथा आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं। फ्रियॉन 1-2 जो कि CF2Cl2 है, उद्योगों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले सामान्य फ्रियॉनों में से एक है। इसका उत्पादन स्वार्ट्स अभिक्रिया द्वारा टेट्राक्लोरोमेथेन से किया जाता है। स्वार्ट्स अभिक्रिया में हमने देखा, अगर हम किसी एक प्रकार का हैलाइड लेते हैं और AgF के साथ रिएक्शन कराएं तो हम उसमें Cl या अन्य हैलोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो उस रिएक्शन के द्वारा हम इसका निर्माण कर सकते हैं। उपयोग, यह एरोसोल प्रणोदक, प्रशीतक तथा वायु शीतलन में उपयोग किए जाते हैं। हानिकारक प्रभाव में देखें, शोभ मंडल में फ्रियॉन मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तथा प्राकृतिक ओजोन संतुलन को अनियंत्रित कर देते हैं। अब देखते हैं पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT। इसकी संरचना को देखें, यहाँ पे ये दो कार्बन की चेन है तो एथेन है ना। एक कार्बन पे हमने तीनों Cl लगा दिए, तीनों एच हटा के 3 Cl, तो ये ट्राइक्लोरोएथेन बन गया। दूसरे कार्बन पे हमने 2 फेनिल समूह लगाए, इन दोनों फेनिल समूहों के पैरा पोजिशन पे, यानी कि यहाँ जुड़ा है तो ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा, और ये पैरा पोजिशन पे Cl। इसी तरह से यहाँ जुड़ने पे ये पोजिशन ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजिशन, तो एक कहलाएगा पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी DDT मूलतः 1873 में बनाया गया था, लेकिन इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज पॉल मूलर ने की। इस खोज के लिए पॉल मूलर को 1948 में चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका उपयोग मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी होता है। हानिकारक प्रभाव में देखें, कीटों की अनेक प्रजातियों ने DDT के प्रति प्रतिरोधात्मकता विकसित कर ली, अडेप्ट हो गए तथा यह मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। DDT के अत्यधिक रासायनिक स्थायित्व तथा इसकी वसा में विलयता ने समस्या को और जटिल बना दिया। DDT का शीघ्रता से उपापचयन मेटाबॉलिज्म नहीं होता, अपितु यह वसीय उत्तकों में एकत्र तथा संग्रहित हो जाती है। यदि अंतर्ग्रहण लगातार स्थायी गति से होता रहे तो जंतुओं में DDT की मात्रा समय के साथ बढ़ जाती है। संयुक्त राज्य में 1973 में DDT पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु विश्व के अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आज भी हो रहा है। इस प्रकार इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने देखा हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या हैं, वर्गीकरण उनका किस प्रकार किया जाता है, नामकरण किस प्रकार किया जाता है, CX बंध की प्रकृति कैसी है, उनके विरचन की विभिन्न विधियाँ। उसके बाद द्वितीय भाग में हमने देखा उनके विभिन्न विरचन की विधियों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में तथा रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखी। तृतीय भाग में हमने SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में जाना। चौथे भाग में हमने अणु की असमितता, कायरलता, प्रतिबिंब रूप धारण तथा प्रतिलोमन और रेसिमिक मिश्रण के बारे में जाना, और वहीं हमने ध्रुवण घूर्णक यौगिक से शुरू करके एल्किल हैलाइड की SN1 तथा SN2 अभिक्रियाएं देखी।
उसके बाद हमने विलोपन अभिक्रिया तथा धातु के साथ अभिक्रियाएं पढ़ी। इस प्रकार हमने आज के पांचवें भाग में हेलोएरिन्स की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। इसमें हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखी और उसमें यह देखा कि अगर हम माइनस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लाते हैं तो किस प्रकार अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जाना, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, और आखिर में उनकी धातु के साथ अभिक्रिया देखी जिसमें हमने फिटिग रिएक्शन तथा वुड्स फिटिग रिएक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद आखिर में हमने पॉलीहेलोजन यौगिकों के बारे में देखा, जहां डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राईआइडोमीथेन, डीडीटी के बारे में तथा फ्रियॉन्स के बारे में देखा। इन सभी को अच्छे विलायक के साथ साथ इनका काफ़ी हानिकारक प्रभाव भी है, जो कि आज के अध्याय में हमने पढ़ा। तब तक के लिए नमस्कार।